हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस का 70th बीपीएससी का जो हमारा 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, उसमें हम आज अगले दिन प्रेसिडेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर लेकर आए हैं जिसका नाम होता है वीटो पावर। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे हम लोग बैकग्राउंड। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करेंगे तो इम्प्लिसिट ये आर्टिकल 111 में मिलेगा आपको। आर्टिकल 111 जहाँ पे प्रेसिडेंट असेंट देते हैं बिल्स को, तभी जाकर वो कोई भी बिल कानून बनता है। जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपनी सहमति नहीं देते, सिग्नेचर नहीं कर देते, कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। तो उसी असेंट के दौरान अगर आप इम्प्लिसिटली जब आर्टिकल 111 को पढ़ते हैं तो आपको दिखेगा कि प्रेसिडेंट के पास असेंट नहीं देने का भी ऑप्शन दिया गया है कुछ केसेस के लिए, और उन केसेस को ही हम लोग क्या समझेंगे, वीटो पावर। यानी कि अगर आप इसको ब्रेक करके समझेंगे आर्टिकल 111 को, तो यहां पे लिखा हुआ है व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस से जब कोई बिल पास हो चुका है, एंड इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, आइदर डिक्लेयर करेंगे कि वो असेंट दे रहे हैं बिल को या असेंट नहीं दे रहे हैं बिल को। असेंट जैसे दिया तो वो बिल अब बन गया कानून, या फिर बिल को असेंट विथहोल्ड करने का मतलब होता है आप रिजेक्ट कर दिए बिल को, क्या कर दिए, बिल को रिजेक्ट कर दिए, तो वो बिल हो जाएगा डेड। दो ऑप्शन तो मिला प्रेसिडेंट के पास। तीसरा, प्रोवाइडेड कि अगर कोई बिल उनके पास गया था असेंट के लिए, तो अगर वो मनी बिल नहीं है तो वो उस बिल को क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, क्या चीज के लिए, हाउसेस को, कि वो रिकंसिडर करें इस बिल को या उस किसी स्पेसिफाइड प्रोविजन को, पूरे बिल को या उसके किसी स्पेसिफाइड प्रोविजन को, और दोबारा उस बिल को रिकमेंड करके भेजे। लेकिन अगर वो बिल जो वापस भेजा गया था वापस आ जाए पास होकर दोनों हाउस के द्वारा, देन प्रेसिडेंट शैल नॉट विथहोल्ड असेंट, मतलब उसके बाद प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ेगा। तो आर्टिकल 111 में क्या क्लियरली कहा गया है कि जब भी कोई बिल दोनों हाउस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगी तो प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन रह सकते हैं, वो असेंट दे दे तो कानून बन जाएगा, असेंट विथहोल्ड कर दे मतलब रिजेक्ट कर दे तो डेड हो गया, या फिर अगर मनी बिल नहीं है तो उस बिल को वापस भेज सकते हैं एक बार पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा रिकंसिडर कराने के लिए। अगर दोनों हाउसेज ने रिकंसिडर करके भेजा तो उनको असेंट देना ही एक ऑप्शन रह जाएगा, ठीक है, वो बाउंड होंगे। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि जब भी प्रेसिडेंट असेंट ना देकर कोई भी ऑप्शन चुनते हैं, इट इज नोन एज एक्सरसाइजिंग वीटो पावर। क्या बोलते हैं इसको, वीटो पावर एक्सरसाइज करना। तो अभी आर्टिकल 111 में तो दो वीटो पावर का इम्प्लिसिट प्रोविजन मिल गया ना, एक असेंट नहीं देना में रिजेक्ट करना हो गया, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वीटो। और एक मनी बिल के अलावा कोई बिल है तो उसको वापस भेज देना, इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। क्या बोलते हैं, सस्पेंसिव वीटो। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 111 में, अनलाइक यूएस का संविधान जहां पर लिखा हुआ है कि 10 दिन के अंदर प्रेसिडेंट एक्शन लेंगे बिल के ऊपर, यहां कोई टाइम कहीं पे नहीं लिखा हुआ था ना, तो प्रेसिडेंट के पास एक और ऑप्शन इम्प्लिसिट मिल जा रहा है कि वो कोई भी एक्शन ना ले, और कोई एक्शन ना लेना, इन तीनों में से कोई एक्शन ना लेना बाय डिफॉल्ट कहलाता है पॉकेट वीटो। दैट मीन्स द प्रेसिडेंट विल सिट ओवर द बिल, वो उस बिल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्या कहलाता है, पॉकेट वीटो। तो अगर देखें तो तीन तरह का वीटो प्रेसिडेंट यूज कर सकते हैं, जिसमें दो तरह का वीटो का जिक्र जो है, उसका प्रोविजन जो है वो संविधान में है। वीटो वर्ड नहीं लिखा हुआ है कहीं भी आपने पढ़ा पूरा, लेकिन संविधान में इसके प्रोविजन इम्प्लिसिट है। लेकिन चूंकि कोई टाइम फिक्स नहीं है तो पॉकेट वीटो अपने आप प्रेसिडेंट को बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। अब तीनों वीटो के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं एक पार्ट। एब्सोल्यूट वीटो यानी कि जहां बिल को असेंट विथहोल्ड कर रहे हैं, बिल डेड हो रहा है, बिल को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो उसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, बिल को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो आप खुद समझ सकते हो कि जब भी हम बात करेंगे समथिंग लाइक विथहोल्डिंग द असेंट या रिजेक्ट करना बिल को, तो नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट, क्या उनके पास ये इफेक्टिव पावर होना चाहिए था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, बिल्कुल नहीं। इसीलिए एब्सोल्यूट वीटो जो प्रेसिडेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसके ऊपर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर। और इसीलिए आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वीटो की, तो एब्सोल्यूट वीटो जो है चूंकि COM के एडवाइस पे यूज हो रहा है, तो ये दो तरह के बिल्स पे यूज जनरली होता है, एक प्राइवेट मेंबर बिल
प्राइवेट मेंबर बिल मतलब वैसा बिल जो कोई मंत्री नहीं लाया, कोई नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाया, और दूसरा जो स्टेट का बिल रिजर्व कर दिया जाएगा गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के लिए। तो इन्हीं दो तरह के बिल के ऊपर जनरली एब्सोल्यूट वीटो यूज होता है, चूंकि ये सरकार के एडवाइस पे यूज करना है। हालांकि ये सीयूएम के एडवाइस पर इवन गवर्नमेंट बिल के ऊपर भी यूज हो सकता है एक केस में, जब असेंट देने से पहले जिस सीयूएम के द्वारा वो मिनिस्टर के द्वारा वो बिल लाया गया था उसकी सरकार गिर जाए और नया सरकार अगर एडवाइस कर देगा तो गवर्नमेंट बिल के ऊपर भी वो एब्सोल्यूट वीटो यूज हो सकता है। एब्सोल्यूट वीटो आज तक दो बार इस्तेमाल किया गया है, एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल में, और दूसरी बार आर के आर नारायणन के द्वारा यूज किया गया था, अगर आप देखेंगे आर वेंकटरमन के द्वारा यूज किया गया था जो एब्सोल्यूट वीटो की हम बात कर रहे हैं, और वो यूज किया गया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैलरीज एंड अलावेंसेज। आर वेंकटरमन ने यूज किया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैलरीज एंड अलावेंसेज बिल के ऊपर। तो दो बार एब्सोल्यूट वीटो यूज किया गया अभी तक। दूसरा हमने कहा सस्पेंसिव वीटो, तो ये बहुत सिंपल है, आप मनी बिल के अलावा कोई भी बिल प्रेसिडेंट वापस भेज सकते हैं और दोबारा अगर वो रिकंसीडर होकर आ गया तो उनको असेंट देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे एक इससे सिमिलर एक वीटो और है जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास है, एंड दैट इज नोन एज क्वालिफाइड वीटो। कौन सा? क्वालिफाइड वीटो। ये कहता है कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट के द्वारा बिल वापस भेजा गया था तो दोबारा जब रिकंसीडर वो होगा, पिछली बार जितनी मेजॉरिटी से पास होकर गया होगा बिल उससे ज़्यादा मेजॉरिटी से पास होगा तभी प्रेसिडेंट असेंट देंगे, नहीं तो नहीं। तो इसको बोलते हैं कि प्रेसिडेंट अगर कोई बिल को वापस भेजा है तो उससे ज़्यादा मेजॉरिटी से इस बार पास करके पार्लियामेंट भेजेगा तो ही प्रेसिडेंट विल बी बाउंड, वो कहलाता है क्वालिफाइड वीटो। इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है, उनके पास सस्पेंसिव वीटो में यही कहा गया है कि चाहे वो सेम मेजॉरिटी से आया हो, किस तरह भी आया हो, बिना कोई चेंज के भी वापस आया हो अगर रिकंसीडर होकर तो भी उनको असेंट देना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में सिंपली चूंकि इसका कोई प्रोविज़न नहीं है, ये इसीलिए प्रेसिडेंट को मिल पा रहा है चूंकि कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। तो इसको इस्तेमाल एक बार ज्ञानी जेल सिंह ने किया था पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के ऊपर। किसके ऊपर? पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के ऊपर। एक ही बार इसका इस्तेमाल अभी तक जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है। तो अगर हम बात करेंगे समथिंग लाइक द वीटो पावर्स, तो इसमें ये दोनों जो वीटो पावर है सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो, ये डिस्क्रिशन पे प्रेसिडेंट अपने यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बार वापस भेजने का अधिकार उनको मिल गया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही, और दूसरा कि पॉकेट वीटो कोई एक्शन नहीं लेना चूंकि टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, तो ये दोनों अपने डिस्क्रिशन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट कि 24th अमेंडमेंट एक्ट के बाद 1971 आर्टिकल 368 में लिख दिया गया क्लियरली कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि संविधान में संशोधन करने वाला बिल दोनों हाउस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उनके पास किसी तरह का वीटो अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा है कि उनको क्या करना होगा, अपना असेंट देना पड़ेगा। तो यानी कि उस केस में कोई वीटो पावर उनके पास नहीं है। तो ये आपको वीटो पावर के बारे में इंफॉर्मेशन था। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा था वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज लिमिटेड बिकॉज इट आफ्टर कंसिडरिंग द पार्लियामेंट पासेज द सेम बिल अगेन प्रेसिडेंट हैज टू गिव असेंट टू दैट बिल। ये स्टेटमेंट तो सही है ना? बिल्कुल सही है। देयर इज नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द टाइम विद इन विच प्रेसिडेंट मस्ट सेंड द बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन। ये भी सही है। तो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि दो डिफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन वीटो पावर ऑफ इंडियन एंड यूएस प्रेसिडेंट। तो दो डिफरेंस आपको बताना है इंडियन और यूएस प्रेसिडेंट के बीच के वीटो पावर के बीच में, आपको कमेंट सेक्शन में एक इसका आंसर और ये दोनों डिफरेंस जो आपको बताना है, ठीक है। अगले दिन हम लोग अगले आर्टिकल के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।